हेलो दोस्तों, आज हम मैथ की क्लास 9 के बारे में पढ़ेंगे और आज ये हमारा भाग होगा नंबर सिस्टम का भाग 6। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास आज पहला क्वेश्चन है 14 की पावर 15, 14 की पावर 15 गुणा में 13 की पावर 18 गुणा में 5 की पावर 8, 5 की पावर 8 में कुल कितने अभाज्य में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड है। तो दोस्तों, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 14 की पावर 15 और गुणा में 13 की पावर 18 गुणा में 5 की पावर 8 में कुल कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। जब भी आपको कोई क्वेश्चन दिया जाए और उसमें दिया जाए कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या आपको बतानी हो, तो सबसे पहले आप आधारवाड़ी संख्याओं को पूर्णतः क्या करोगे, अभाज्य संख्याएं बनाओगे। जो भी हमारी आधारवाड़ी संख्याएं होती हैं, तो यहाँ आधारवाड़ी संख्याएं कौन कौन सी है हमारे पास, यहाँ 14, 13 और 5, ये हमारी क्या है, आधार वाली संख्याएं हैं, यानी कि हमारी ये बेस नंबर्स हैं। अब हम इन संख्याओं को सबसे पहले अभाज्य संख्या बनाएंगे। अभाज्य संख्या यानी कि इन नंबर्स को हम प्राइम नंबर बनाएंगे। प्राइम नंबर बनाने के लिए आप जो पहले से प्राइम नंबर है उसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन जो प्राइम नंबर नहीं होगा उसको हम चेंज करेंगे। यानी कि 5 5 है जो, ये तो ऑलरेडी पहले से प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। 13 भी एक अभाज्य संख्या है, तो इसको भी बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम 14 को बदलेंगे दोस्तों, क्योंकि 14 हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। तो 14 को हम किस में बदलेंगे, 2 गुणा 7 में। 2 गुणा 7 करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 गुणा 14, इसको हम 2 गुणा 7 में बदलेंगे। और ऊपर जितनी पावर होती है वह पावर सेम रहती है, तो 2 गुणा 7 की पावर 15 हो जाएगी। 14 की पावर 15 को हमने लिखा 2 गुणा में 7 की पावर 15। अब आगे गुणा में दिया हुआ 13 की पावर 18, आगे गुणा में दिया हुआ 5 की पावर 8। अब आप देखोगे कि जो हमारे आधारवाड़ी संख्याएं हैं, बेस नंबर हैं, वे सभी के सभी अभाज्य गुणनखंड में बदल चुके हैं। 5 हमारा एक अभाज्य संख्या होगी, 13 भी अभाज्य संख्या, 7 भी अभाज्य संख्या और 2 भी हमारी अभाज्य संख्या होती है। तो ये सारे जो बेस नंबर हैं, आधार संख्याएं हैं, वे सारी की सारी अभाज्य संख्या में बदल चुकी हैं। अब हम आगे क्या करेंगे, अब इसको लिखेंगे 2 की पावर 15 गुणा में 7 की पावर 15। जो दोस्तों होल पावर है, पूरे ब्रैकेट के ऊपर पावर लगी हुई है, उसको हम अलग अलग दोनों संख्याओं पे इस प्रकार से लिख सकते हैं। गुणा के अंदर लिखोगे आप 13 की पावर 18 गुणा में 5 की पावर 8। अब आप देखोगे जितने भी हमारी बेस संख्याएं हैं, आधार संख्याएं दी हुई हैं, वो सारी की सारी क्या है, अभाज्य संख्याएं हैं। और हमको क्या निकालना है, हमको अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। तो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए अब जो इनकी घातें दी हुई हैं, उन घातों को आप आपस में जोड़ोगे। तो अब हम देखते हैं कि कुल अभाज्य गुणनखंड हमारे पास कितने आते हैं। कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, अब हम देखेंगे इनकी पावर्स को। जो पावर्स दी है 15, 15, 18 और 8, इन सभी को क्या करोगे, हम ऐड करेंगे। 15 प्लस में 15 प्लस में 18 प्लस में 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास 56, यानी कि 56। तो कुल अभाज्य गुणनखंड जो है, कुल कितनी अभाज्य गुणनखंड हो गए, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हो जाएगी 56, यानी कि 56। इस प्रकार से हम किसी भी संख्या अगर दी हो तो उसके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। इस क्वेश्चन में ध्यान रखने वाली यह बात है दोस्तों, जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालने होंगे तो आप आधार संख्याओं को अभाज्य संख्याएं बनाएंगे। आधार संख्याएं अभाज्य संख्या सबसे पहले बनानी होती है, उसके बाद में जितनी पावर होंगी उन पावर्स का आपस में जोड़ करोगे तो वो अभाज्य गुणनखंड निकल के आ जाएंगे। चलिए दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रकार से आगे कुछ और चीजें देखते हैं गुणनखंड के बारे में।
अब दोस्तों हम गुणनखंडों के बारे में आगे पढ़ते हैं कि गुणनखंड और गुणक क्या होते हैं। गुणनखंडों या फिर गुणक या फिर इनको बोला जाता है भाजक और या फिर अपवर्तक भी कहा जाता है इसको। अपवर्तक, भाजक, गुणक या फिर गुणनखंड ये कहा जाता है इनको, और इनको इंग्लिश में बोला जाता है, इंग्लिश में सिर्फ एक ही नाम होता है, डिवीजर्स, DIVISORS। तो डिवीजर्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है डिवीजर्स, यानी कि भाजक या गुणक। ज्यादातर इनका नाम गुणक, गुणनखंड, गुणक या भाजक में से देखने को मिलता है और इसको इंग्लिश में कहा जाता है डिवीजर्स। अब इसकी संख्या पता करनी हो कि इसमें कोई भी नंबर दिया जाएगा उसमें कितने गुणक हैं, तो ये चीज क्या होती है कि जो गुणनखंड होते हैं ऐसी संख्या जिसका किसी बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए वह उसका भाजक कहलाएगा। वह उसका क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा। यानी कि ऐसी संख्या जिसका किसी बड़ी संख्या में पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह उस संख्या का गुणक या फिर क्या कहलाएगा? भाजक कहलाएगा। तो वो हमारा गुणक या भाजक हो जाएगा। यानी कि कोई नंबर है हमारे पास, मान लो 24 है, अब ये नंबर 4 से कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, और 24 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, तो बहुत सारे नंबर से 12 से भी कट रहा है, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? ये इसके भाजक हो जाएंगे, यानी कि ये इसके गुणन हो जाएंगे, गुणक या ये भाजक कहलाएंगे। 24 का अगर भाजक है 4, 6, 24, 1, 2, इस प्रकार से ये सभी क्या है? इसके भाजक हैं। तो ये सभी भाजकों की संख्या बतानी होती है क्वेश्चन में कि कितने भाजक होंगे। यानी कि अब 24 के भाजक 1, 2, 3, 4, 5 हुए, इस प्रकार से हमको काउंट करना होता है कि 24 के कौन कौन से भाजक होंगे। 8 भी एक भाजक होता है, क्योंकि 24 है वो 8 से पूरा पूरा कटता है। हमको ऐसी संख्याएं देखनी है जो इस नंबर को पूरा पूरा काट रही होंगी, वो सारे हमारे क्या हो जाएंगे? भाजक, गुणक या फिर वह सारे गुणनखंड कहलाएंगे। अब दोस्तों हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उस क्वेश्चन से देख समझते हैं इसको कि हम किस प्रकार से गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया, सबसे पहले एक छोटा एग्जाम्पल लेते हैं 18 का। तो हम देखते हैं कि 18 के कितने गुणनखंड हैं या कितने गुणक हैं, 18 के कितने गुणक हैं, गुणनखंड हैं या फिर कितने भाजक हैं। हमको डिविजर्स निकालने हैं कि 18 के कितने भाजक हैं, हमको ये बताना है कि इसके कितने भाजक होंगे, एक भाजक होगा, दो होंगे, तीन, कितने भाजक होंगे इसके। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले कि 18 में जिनका जिनका पूरा पूरा भाग चला जाए वे इसके क्या होंगे? भाजक होंगे। 18 में जिन संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाएगा वे सभी इसकी क्या होंगी? गुणक होंगी, इसकी भाजक होंगी। तो 18 में एक का भाग देखेंगे, सबसे पहले एक का भाग चला जाएगा, दो का भाग भी पूरा पूरा चला जाएगा 18 में, फिर तीन का भाग भी जा रहा है, तीन के बाद में 6 का भाग भी जा रहा है, 6 के बाद में 9 का भाग भी जा रहा है, 9 के बाद में 18 का भाग भी 18 में चला जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 18 के कुल कितने हो गए? 6 भाजक हो गए। तो आंसर हमारा आ जाएगा 6। तो 18 के कितने भाजक हैं? तो 18 के हमारे पास 6 भाजक होंगे, जो कि 1, 2, 3, 6, 9 और 18, इन सभी नंबर से ये 18 को हम काट सकते हैं। तो ये हमारे भाजक हो गए, या फिर भाजक की जगह कई बार हिंदी में शब्द यूज किया जाता है गुणक। भाजक को गुणक भी कहा जाता है या फिर इसको गुणनखंड कहा जाता है, अपवर्तक भी कहा जाता है। ये सभी नाम एक ही होते हैं दोस्तों। कई बार गुणनखंड कह दिया जाता है कि 18 के कितने गुणनखंड हैं, या 18 के कितने गुणक हैं, या 18 के कितने भाजक हैं, या 18 के कितने अपवर्तक हैं। और इंग्लिश में बोला जाता है कि 18 के डिविजर्स निकालो, कितने डिविजर्स होंगे, 18 के डिविजर कितने होंगे, तो ये हो जाएंगे 6, 1, 2, 3, 6, 9 और 18, ये सारे इसके भाजक हो जाएंगे। अब दोस्तों यह तो संख्या थी छोटी, यानी कि 18 एक छोटी संख्या है, हम आसानी से बता सकते हैं कि इसके कौन कौन से नंबर से यह कट रही होगी। जब नंबर बड़ा हो जाता है तो फिर इस प्रकार का मेथड उसमें हम यूज नहीं कर सकते। तो अब हम दूसरी विधि देखते हैं कि 18 को हम किस और तरीके से भी निकाल सकते हैं। अगर आप देखोगे तो हमारे पास जो नंबर दिया गया था वह था 18, तो हमको इसके 18 के भाजक बताने हैं। हम बारी बारी से अगर नंबर यहाँ मान लो 300 400 आ गया, तो फिर इस प्रकार से हम बड़ी लाइन बन जाएगी, फिर हम नहीं काउंट कर सकते, एक एक लिख के नहीं देख सकते कि कितने इसके भाजक होंगे। तो इसलिए अब हम एक दूसरा मेथड देखते हैं कि
दूसरी विधि से इसको किस प्रकार से अलग किया जाता है। अब हमारे पास 18 जो नंबर है इसको हम क्या करेंगे, 2 गुणा में 9 लिखेंगे। अब 2 गुणा में 9 क्यों लिखा, इसको अलग अलग दो संख्याओं में तोड़ देंगे जो आपस में ना कट रही होंगी। तो इसको 2 गुणा 9 लिखा और अब आप देखोगे कि 2 की पावर 1 हो जाएगी, 2 की पावर 1 यानी कि 2 ही हो जाएगी, और 9 की यहाँ कोई पावर नहीं है तो 9 की पावर 1 लिख सकते हैं। लेकिन 9 को फिर अगर आगे हम तोड़ें तो 3 की पावर 2 में तोड़ सकते हैं, क्योंकि 3 की स्क्वायर कितनी होती है हमारे पास, 9 होती है। अब हम देखेंगे तो इस प्रकार जब हमारा क्वेश्चन हो गया 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 2, 18 को इस प्रकार लिख सकते हैं। इस प्रकार घात में 1 जोड़कर उनका गुणा किया जाता है। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट लाइन आप लिख सकते हैं, यह काफी इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार प्राप्त घात में, इस प्रकार प्राप्त घात में 1 जोड़कर, इस प्रकार प्राप्त घात में 1 जोड़कर उनका गुणा कर देते हैं, 1 जोड़कर उनका गुणा कर देते हैं। इस मेथड से हम इसको हल करेंगे। तो इस प्रकार प्राप्त घात में 1 जोड़कर उनका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। अब हम देखते हैं कि इसकी पावर कितनी कितनी आई थी। तो अगर आप अब देखो इसमें, तो आपके पास पावर जो थी, पावर यहाँ कितनी थी, 2 की पावर 1 थी, और यहाँ कितनी थी, 3 की पावर 2 थी। तो पावर पहले तो आई आपके पास 1, और दूसरी बार जो हो आपके पास पावर थी, तो 1 में क्या करोगे, 1 1 जोड़ोगे, 1 में क्या करोगे, 1 1 ऐड करोगे, और इसके बाद में क्या करोगे, इसका गुणा करोगे। और गुणा आगे, फिर आगे वाली जो 2 पावर है इसको लोगे आप, और इसमें भी फिर क्या करोगे, 2 में फिर 1 जोड़ोगे, और इसका क्या करोगे, गुणा कर दोगे, इसको आप हल करोगे। दोस्तों करना क्या है, देखो हमने 18 को पहले 2 गुणा 9 में तोड़ा, 2 गुणा 9 में चेंज किया, उसके बाद में हम 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। 2 को किसी भी संख्या की पावर अगर 1 लगी हो तो वापस उसको हल करेंगे तो वही संख्या आ जाती है, यानी कि 2 का मतलब होता है 2 की पावर 1। और एक बात का और ध्यान रखना, खासतौर पर अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है। किसी भी संख्या की पावर 0 हो, किसी भी संख्या की घात या पावर, किसी भी संख्या की घात 0 हो, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसे, तो उसका मान 1 होता है, तो उसका मान 1 होता है। उसका मान होता है 1, इस बात को आप ध्यान रखना, किसी भी संख्या की घात 0 हो तो उसका मान हमेशा 1 होगा। अगर आपको कह दिया जाए कि 10 की पावर 0 है तो उसका वैल्यू मतलब 1 होगा, 6 की पावर 0 1 है, 18 की पावर 0 है, कोई भी संख्या आ जाए, x की पावर 0 है तब भी वैल्यू उसकी क्या होगी, x की पावर 0 आ गई, वैल्यू उसकी 1 होगी। इस प्रकार से किसी भी संख्या की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, और अगर किसी भी संख्या की पावर 1 लगा दी जाए तो वह खुद संख्या अपने आप में आती है। 2 की पावर 1 का मतलब 2, 3 की पावर 1 का मतलब 3, जितने भी पावर लगी वो उसका कोई रोल नहीं होता, यानी कि वो संख्या एक बार है। अगर किसी भी संख्या की पावर 2 बार लगाई है, इसका मतलब उसको आपस में 2 बार गुणा हो रहा है। 3 की पावर 2 का मतलब 3 का गुणा 3 से हो रहा है, तो 3 का गुणा 3 से 9 हो रहा है। इस प्रकार से हम इसको करते हैं। अब क्वेश्चन में देखते हैं दोस्तों, इस प्रकार प्राप्त घात में मैंने इसलिए ये लाइन लिखी, इस प्रकार प्राप्त घात में 1 जोड़कर उनका गुणा कर देते हैं। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि 1 जोड़कर गुणा कर देते हैं, इसमें क्या करोगे, जो हमारे पास घातें दी गई हैं, तो इसमें पावर आई है, घात आई है 1, और इसमें आई है घात 2, 1 और 2 घात, तो 1 और 2 जो हमारी घात दी हुई है, ये इसमें दोनों में 1 1 ऐड करोगे, इसमें भी 1 और इसमें भी 1 ऐड करोगे, ऐड करने के बाद में 1 और 1 2 हो जाएगा, गुणा में 2 और 1 3 हो जाएगा, और 3 गुण 3 दुना 6, तो हमारे पास जो 18 के कितने भाजक हैं, तो हमारे पास 18 के 6 भाजक आ जाएंगे, यानी कि 18 के 6 गुणक आ जाएंगे। गुणक कह दो, भाजक कह दो, तो इसके डिविजर्स कितने होंगे, 6 डिविजर्स होंगे। इस प्रकार से हम इस सेकंड जो हम ये वाला मेथड है, इस मेथड से हम
क्वेश्चन को थोड़ा जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि उसको हम अलग अलग आवर्स में चेंज करेंगे और उसके बाद में उन घातों के अंदर एक एक जोड़ के दोनों को फिर गुणा किया जाता है। जो पावर्स आती है हमारी घात आती है उसमें एक एक जोड़ा जाता है दोनों को और फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है। इस मेथड से हम इनके भाजक, गुणक या अपवर्तक, या फिर इसको कहते हैं डिविजर्स, डिविजर्स निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगर दोस्तों आपको यह चीज समझ में नहीं आ रही कि मान लो 18 को 2 गुणा 9 में तोड़ा और फिर ये पावर्स कैसे बढ़ाई जाती हैं इसकी, तो इसके लिए मैं आपको अलग से बताता हूँ कि 18 को आप डायरेक्ट इस प्रकार में जो पावर्स है उसमें किस प्रकार से चेंज कर सकती हैं। चलिए दोस्तों एक बार 18 के बारे में दोबारा देखते हैं कि इसको किस प्रकार से, इनकी जो गाते दी हुई हैं इस गातों में किस प्रकार से पावर्स में चेंज किया जाता है। 18 को सबसे पहले आप लिखोगे और एक इस प्रकार से एक लाइन लगाओगे, एक इधर, इसको एलसीएम निकालना। वैसे एलसीएम में जो हमारा एलसीएम निकालते हैं, लघुत्तम समाप्रत्यय निकालते हैं, तो एलसीएम में इस चीज को यूज किया जाता है। वैसे आप यहाँ देखो 18 को सबसे पहले छोटे नंबर से काटना होता है, तो 18 को सबसे छोटा नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। 2 से काटोगे, 2 नीम 18, इसके बाद में अब 2 से ये नंबर है जो एक बार कट गया, इसके बाद में कटने के बाद में यहाँ आया 9, 9 के बाद में अब देखेंगे यह नंबर 2 से कट रहा है, 2 से नहीं कट रहा तो आगे का नंबर देखेंगे, 2 के बाद 3, 3 से इस नंबर को काटेंगे, 3 3 9, 3 3 9, इन दोनों का आपस में गुणा किया जाता है और ऊपर वाला नंबर आता है। ये प्रोसेस किस तरह से होती है, इस प्रकार से होती है, 3 का गुणा 3 से, फिर ऊपर 9, फिर 2 का गुणा 9 से, 9 दुनिया 18, तो ये पूरा पूरा नंबर इस प्रकार से ये कटना चाहिए। अब 3 में किसका भाग जाएगा, आगे 2 से 2 का भाग चला गया, उसके बाद में हम 3 का दे के दे रहे हैं भाग, 3 का नहीं जा रहा तो फिर आगे 4 का, फिर 5 का, 6 का, इस प्रकार से आगे चलते जाते हैं। 3 का भाग दिया, 3 में 3 3 9, बहुत से स्टूडेंट को ये ऑलरेडी आता होगा लेकिन मैं फिर भी बता दूं, कुछ स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है, उनको ये चीज समझ में नहीं आती, 3 का गुणा 3 से किया, 9 आया, फिर आगे 3, आगे क्या करोगे, फिर 3 से चलोगे, अब 3 का भाग 3 में दोगे तो 1 पे जाएगा, 3 एकम 3 का, 1 से गुणा किया, 3 एकम 3, तो ये इस प्रकार से ये कटेगा, तो 3 एकम 3। अब जब इसको कहाँ तक सॉल्व करना है, उसको वहां तक सॉल्व करना होता है जब तक कि यहाँ जो नंबर है वो हमारा 1 ना आ जाए, जब यहाँ 1 आ जाएगा लिखा हुआ तब इसको छोड़ सकते हैं। अब आप देखोगे जो भी नंबर्स यहाँ दिए जाते हैं 2 3 4 5, उन नंबर्स को आप गुणा में लिखते हो। यहाँ जो भी नंबर है, यहाँ 2 आया, यहाँ 3 आया 5 आया, वो एक एक बार लिखोगे, उसके बाद में उसकी पावर्स लगानी चालू करोगे। अगर 2 एक बार है तो इसकी घात 1 लगेगी, अगर 3 यहाँ कितनी बार आया, 2 बार आया, तो इसकी पावर 2 लगेगी। इस प्रकार से 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 2 में 18 को बदला जाता है। इस 18 को हमने किस प्रकार बदला, 2 की पावर 1 गुणा में 3 की पावर 2 में, तो यह चीज जो लिखी हुई है 2 की पावर 1 गुणा 3 की पावर 2, इस प्रकार से यह लिखी जाती है। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं। अब हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज्यादातर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। हमारे पास एक नंबर दिया हुआ, एक संख्या है 3780, और 3780 के हमको क्या क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड। सैंतीस सौ अस्सी के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड कोमा कुल गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड कोमा कुल गुणनखंड कोमा विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड। गुणनखंड भाजक को ही कहा जाता है, भाजक है या गुणक है उसको ही कहा जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर पहले बता चुका हूं। गुणनखंड कह दे, गुणक कह दे, भाजक कह दे, अपवर्तक कह दे या डिविजर्स कह दे, ये सभी चीज क्या होती हैं, एक ही चीज होती है, तो विषम गुणनखंड कह दे, और विषम गुणनखंड के बाद में सम कह दे, विषम गुणनखंड व सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड व सम गुणनखंड की संख्या निकालो। अब यह हमारा क्वेश्चन है, और इस एक क्वेश्चन में मैंने काफी सारे क्वेश्चन ऐड कर दिए,
एक ही क्वेश्चन में ताकि आपको क्लियर हो जाए कि इनको किस प्रकार से हल किया जाता है। दोस्तों हमने पहले जो पढ़ा था सब शुरुआत में जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें पढ़ा था अभाज्य गुणनखंड। तो ये मैंने एक क्वेश्चन किया था अभाज्य गुणनखंड का कि किस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड का निकाले गए थे। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि गुणनखंड गुणक या भाजक क्या होती है। तो भाजक वह होते हैं जो कि ऊपर दिए गए नंबर्स को प्रत्येक संख्या जो काट रही होती है उनकी काउंटिंग करनी होती है कि वह कितनी संख्याएं इस नंबर को काट जाए, पूरी पूरी कितनी संख्याओं का पूरा पूरा इस नंबर में 18 में भाग चला जाएगा। तो वे सारी हमारी क्या होती हैं, भाजक होती हैं, यानी कि वे सारी गुणनखंड होती हैं। तो 18 के कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 6 गुणनखंड हो जाएंगे, कितने भाजक होंगे, तो इसके गुणक कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, यानी कि इसके 6 भाजक हो जाएंगे। इसी प्रकार में अब आगे हम देखेंगे कि अभाज्य, हमारे पास अभाज्य गुणनखंड तो 3780 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे और कितने कुल गुणनखंड होंगे, कितने विषम गुणनखंड होंगे और कितने सम गुणनखंड होंगे। अब हम इन चारों को इकट्ठा पढ़ोगे आप तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि किस प्रकार से अलग अलग इन संख्याओं का गुणनखंड निकाला जाता है। अभाज्य गुणनखंड और कुल गुणनखंड में इनमें क्या डिफरेंस होता है, इनमें अंतर है होता है, जो वो आपको इकट्ठा पढ़ोगे तभी पता चलेगा। अब दोस्तों सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इस 3780 जो हमारा नंबर दिया गया है, 3780 जो हमारा नंबर है, इस नंबर को हम लिखते हैं कि इसको हम अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो किस प्रकार से करेंगे। हम यहाँ लिखते हैं 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5 और गुणा में 7। दोस्तों जिस संख्या के ऊपर कोई भी पावर नहीं लगाई जाती, कोई भी घात नहीं लगाई जाती, उसकी घात हम 1 मान सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ 5 के ऊपर या 7 के ऊपर कोई भी पावर नहीं है तो इसको आप 1 1 लिख दोगे तो भी कोई यह सवाल गलत नहीं होने वाला, क्योंकि किसी भी संख्या की पावर जब 1 लगाई जाती है, घात 1 लगाई जाती है, तो वापस उसी संख्या का उसका मान वही संख्या होती है, या इसको आप हटा भी सकते हो, बाय डिफॉल्ट इसकी पावर 1 मानी जाती है। तो ये चीज मैंने लिखी कि 2 की पावर 3780 को लिखा गया 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5 गुणा में 7। दोस्तों अब मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन बहुत से स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी कि इसको 3780 को इस प्रकार से कैसे लिखा गया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि 3780 को जैसे मैंने 18 का यह मेथड बताया आपको, इसी प्रकार से 3780 को अब हम लिख के बताते हैं कि 3780 को किस प्रकार से यह लिखा गया है। अब आप देखो कि 3780 को हम काटेंगे। सबसे पहले हम मैंने आपको बताया कि आप 2 से काटोगे। इस नंबर को काटने की प्रोसेस सबसे पहले सबसे छोटा नंबर हमारा 2 से शुरुआत करेंगे, उसके बाद में 2 के बाद में 3 4 5, इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो सबसे पहले हम 2 से शुरुआत करेंगे, तो 2 से इस नंबर को भाग देंगे, कितने पे कटेगा तो वह देखते हैं। 2 एकम 2, 1 बचेगा 17, 2 8 16, 1 बचा 18, 2 नीम 18 और 0। तो यह नंबर 2 से पूरा पूरा कट गया। इसके बाद में अगर आपको यह भी चीजें ना पता चले कि यहाँ कोई भी नंबर दिया गया वो किस नंबर से कटेगा, तो मैंने आपको जो पीछे जो क्लासें हुई थी नंबर सिस्टम की उसमें बताया था कि 2 से कौन कौन से नंबर कटते हैं, 2 का विभाजित रूल क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं, 2 का 3 का 5 का 7 का नहीं बताया, सॉरी 8 का बताया था, और 10 का 11 का, ये सारे रूल किन किन नंबर से किस प्रकार से ये संख्याएं काटी जाती हैं। तो वो रूल्स अगर आपने पिछली क्लासों में ध्यान से पढ़े होंगे तभी आपको ये पता चल रही होंगी चीजें कि 2 का रूल होता है अंतिम अंक अगर 0 2 4 6 8 में से है तो वह संख्या 2 से कटेगी, यानी कि कोई भी सम संख्या होती है वह 2 से कट जाती है। इसके बाद में 1890 भी 2 से कट रहा होगा, तो इसको एक बार और 2 से काटते हैं, 2 नीम 18, 2 चौके 8, 1 बचे 10, 2 पंजे 10। अब हम देखेंगे कि यह नंबर 2 से नहीं कटेगा। अब 2 से यह नंबर क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि इसका अंतिम अंक यहाँ 5 दिया हुआ है, तो यह नंबर 2 से नहीं कट रहा। तो अब आप इसको 3 से काटोगे, 3 से चेक करोगे, 3 से वे सभी नंबर कटते हैं जिनके अंकों का योग आपस में जोड़ है वो 3 से कट रहा होगा, यानी कि योग अगर 3 से कट रहा है तो वह संख्या भी 3 से कटेगी। 9 और 4 13 और 5 18, इनका योग हुआ तीनों का जोड़ 18, तो 18 है जो हमारा वह 3 से क्या है, कटता है, 3 से पूरा पूरा कटता है 18, तो इसलिए यह नंबर भी 3 से कटेगा। 3 तिया 9, इसके बाद में 15 तिया 45, 315 तिया 945, तो 3 से इसको काटा। आगे फिर इस नंबर को आप देखोगे फिर यह 3 से कट रहा है, 3
एकम तीन, 3 5 15, तो 105 तीय 315। फिर आगे इसको काटोगे 3 से, फिर कटेगा 3 3 9, 1 15, 3 5 15। अब यह नंबर 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 और 3 को जोड़ा 8 आया, और 8 3 से नहीं कटता। अगर 8 3 से नहीं कटता तो यह नंबर भी 3 से नहीं कटेगा। अब क्या करोगे, आपने 2 का लिख लिया, 3 लिख लिया, 3 के बाद में 4 से यह नंबर कटता है, 4 से 35 नहीं कटता दोस्तों, 4 निम्न 36 होता है, ये नहीं कटता। अब देखेंगे 5 से, तो 5 से यह नंबर कटता है, तो 5 से कटता है, 5 7 35। अब यहाँ आया 7, तो 7 एकम 7, तो यह नंबर 7 से कटेगा। तो इस प्रकार से जब इस प्रोसेस को अब तब तक करते हैं जब तक कि यहाँ पर एक ना आ जाए, तो यहाँ पे एक आ गया, अब इस प्रोसेस यह कंप्लीट होगी। अब हम इस प्रोसेस में इसको लिखेंगे कि किस प्रकार से लिखते हैं। सबसे पहले इस लेफ्ट वाली साइड के अंदर देखेंगे कौन कौन सी संख्याएं आई हैं। सबसे पहले यहाँ कौन सी संख्या आई है ऊपर, 2। 2 के बाद में यहाँ नंबर जो यूज हुआ है वो 3 3 का यूज हुआ है। 3 के बाद में नंबर देखोगे 5 का यूज हुआ है। 5 के बाद में नंबर देखोगे 7 का यूज हुआ है। अब देखोगे 2 को कितनी बार लिखा गया है, यानी कि 2 यहाँ कितनी बार आया है इस लाइन में, 2 बार आया है, तो 2 की पावर 2 हो जाएगी। अब 3, 3 यहाँ कितनी बार आया, कुल 3 बार आया, तो 3 की पावर 3 हो जाएगी, यानी कि 3 की घात 3 हो जाएगी। 5 यहाँ एक बार है तो 1 लिख सकते हो, 7 एक बार है तो 1 लिख सकती हो, या फिर 1 1 बार को आप छोड़ दो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब संख्याएं हमारे पास आई 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5 गुणा में 7। इस प्रकार से हमने इस चीज को लिखा कि 3780 को 2 की पावर 2 गुणा में 3 की पावर 3 गुणा में 5 गुणा में 7। ये मैं काफी डिटेल से बता रहा हूँ बहुत से स्टूडेंट को, जो ये वाली प्रोसेस है ना, ये वाली स्टूडेंट बहुत से स्टूडेंट को ऑलरेडी आती है, लेकिन फिर भी मैंने इसको बता दिया। अगर किसी कई बार स्टूडेंट को ये पूरा प्रोसेस पता नहीं चलता कि ये पावर्स किस प्रकार से लिखी गई हैं, तो फिर मैंने इसको पूरे डिटेल से बता दिया। अब देखते हैं दोस्तों, इसको इस प्रकार से लिखने के बाद में इनको पावर्स में लिख लिया, अब क्या करेंगे, कुल अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। कुल अभाज्य गुणनखंड, तो कुल अभाज्य गुणनखंड है जो, वो कौन कौन से होंगे, कितने होंगे। तो दोस्तों जब आपको कुल अभाज्य गुणनखंड निकालने होते हैं, तो आपको क्या करना होता है, जैसा मैंने ऊपर इस प्रकार से अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन तो मैंने पहले करवा चुका हूँ, तो पावर्स में हमने यहाँ क्या किया था, जितनी जो पावर्स थी घात थी उनको क्या किया था, ऐड किया था आपस में, क्या किया था, ऐड किया था। जब आपको इसके अभाज्य गुणनखंड बताने होते हैं, तो आप इनकी घातों को क्या करते हो, जोड़ करते हो। इस क्वेश्चन में हमने देखा था कि हमने जो पावर्स आई थी, घात आई थी, उनका योग किया था, तो वही सेम चीज यहाँ करने वाले हैं। इनकी जो पावर्स है, घात है, वो कितनी है, उनका जोड़ कर रहे हैं। तो यहाँ जो पावर्स है वो कितनी है, 2 है। यहाँ कितनी पावर है, 2, यहाँ 3, यहाँ या कोई पावर है, कुछ भी पावर नहीं है तो हम क्या मानते हैं, 1 पावर मानते हैं। यहाँ कुछ भी पावर नहीं है तो कितनी मानोगे, 1 मानोगे। तो इसको 1 और इसको 1, इनको आपस में ऐड करोगे, तो यहाँ सबसे पहले 2, फिर यहाँ 3, और यहाँ पावर है 1, और 7 की पावर कुछ नहीं है तो 1 मानोगे। अब इसके 3 और 2 5 और 2 7, तो ये टोटल हुआ 7। तो कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या हमारी हो गई 7। अब हमने एक क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया कि 3780 के अभाज्य गुणनखंड की संख्या हम बता चुके हैं कि 2 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 1, यानी कि टोटल कितनी होगी, 7 होगी। तो अभाज्य गुणनखंड बताने के लिए इस बात का खास ध्यान रखना है दोस्तों कि जो बेस नंबर हैं वे सारे के सारे क्या होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी। क्योंकि मैंने आपको ऊपर एक क्वेश्चन करवाया था, इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि जो बेस नंबर हैं वे सारे के सारे अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए ये नंबर अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए, जिसमें 5 तो अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है, पर 14 अभाज्य नहीं थी, इसलिए हमने 14 को 2 × 7 में तोड़ दिया। 14 को 2 × 7 में अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, तो 2 की बार 15, 7 की बार 15, अब जो नंबर आए वे सारे के सारे क्या थे, अभाज्य संख्याएं थी। और अभाज्य संख्याओं के बारे में हमने पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन सी संख्याएं अभाज्य होती हैं, और उनको किस प्रकार से हम निकालते हैं कि किस कौन सी संख्या अभाज्य है या नहीं है, यह पूरी चीजें मैंने पिछली क्लास में ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखते हैं दोस्तों,
इस क्वेश्चन में हमने अभी तक निकाला कि अभाज्य गुणनखंड कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या या इस क्वेश्चन में कितनी हो गई, 7 हो गई। अब देखते हैं अगर हमको कुल गुणनखंड पूछा हो, एक पार्ट हमने सॉल्व किया, आगे दिया हुआ है कुल गुणनखंड, अब हम कुल गुणनखंड की संख्या किस प्रकार से निकालते हैं। अब हम निकालेंगे कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड इन सभी चीजों में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है दोस्तों। अभाज्य गुणनखंड अलग होते हैं, कुल गुणनखंड अलग होते हैं, विषम गुणनखंड अलग होते हैं और सम गुणनखंड अलग होते हैं। अगर हमको कुल गुणनखंड की संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी ये संख्याएं आई हैं इसमें जो गुणनखंड है, कुल गुणनखंड है, हमने मेरे पहले से क्वेश्चन किया था कि 18 के कितने भाजक हैं, यानी कि 18 के कितने भाजक, यानी कि 18 के कितने गुणनखंड हैं। तो इसमें एक जो दूसरी विधि मैंने बताई थी आपको कि 18 को 2 × 9 में चेंज करने के बाद इस प्रकार से पावर्स में चेंज किया, उसके बाद में इस प्रकार प्राप्त घात में एक जोड़कर उनका गुणा कर देते हैं। जब प्राप्त घात में एक जोड़कर उनका गुणा करते हैं तो फिर जो पूरी प्रोसेस होने के बाद जो आंसर आएगा इसको क्या कहते हैं, हम भाजक कहते हैं, यानी कि इसको गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं, ये हमारे कुल गुणनखंड होते हैं। अब हम इसका मेथड का यूज करेंगे तो हमारे पास जो घात दी हुई है, घात में एक जोड़ने के बाद गुणा करेंगे, घात में क्या करेंगे, एक जोड़ने के बाद गुणा करेंगे। अब दोस्तों देखते हैं इसमें किस प्रकार से करेंगे। अब सबसे पहले हमारी घात यहाँ 2 की पावर 2 है तो घात लिखेंगे 2। अब 2 में एक जोड़ोगे फिर आगे गुणा करोगे, आगे जो नंबर दिया हुआ है यहाँ दिया हुआ 3, यहाँ पावर कितनी है 3, तो इस 3 जो पावर है, 3 घात दी हुई है, इसमें एक जोड़ोगे फिर गुणा करोगे आगे। ऊपर पावर यहाँ दी हुई है 5 की पावर, यहाँ कितनी दी हुई है 1 दी हुई है, तो 1 में एक जोड़ के आगे गुणा करोगे। 7 की पावर 1 है तो 1 में एक जोड़ोगे और आगे गुणा करोगे। इस प्रकार से इसको पूरे प्रोसेस को किया जाता है। अब कुल गुणनखंड की संख्या हम निकालते हैं, 2 में 1 जोड़ोगे 3 आया, 3 में 1 जोड़ा 4 आया, 1 में 1 जोड़ा 2, फिर गुणा में 1 और 1 2, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48, तो अब हमारा यहाँ आ गया 48 आंसर। तो अगर आप देखोगे यहाँ तो 48 क्या आ जाएंगे, 48 हमारे कुल गुणनखंड की संख्या आ जाएगी, कुल गुणनखंड हो जाएंगे हमारे 48, यानी कि जो पावर दी जाती है, घात दी जाती है, घात प्रत्येक घात में एक एक जोड़ने के बाद में आपस में उनको गुणा किया जाता है और वो होते हैं हमारे कुल गुणनखंड। और कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं जो हमारी पावर्स दी जाती हैं, अभाज्य संख्याओं की जो घातें होती हैं उनको आप आपस में आप जोड़ोगे तो वो आएंगे कुल अभाज्य गुणनखंड। कुल अभाज्य गुणनखंड हो जाएंगे इस क्वेश्चन में 7 और कुल गुणनखंड हो जाएंगे 48। अब हम पढ़ते हैं आगे विषम गुणनखंड और सम गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं। अब हम 3780 के देखेंगे विषम गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं, फिर उसके बाद में हम सम गुणनखंड के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन दोस्तों वो पीछे वाला ही है, यहाँ स्पेस कम था इसलिए हम आगे लिख रहे हैं कि 3780 के विषम गुणनखंड किस प्रकार से निकालेंगे। तो 3780 के हम विषम गुणनखंड, अब हमने अभी तक जो दो चीजें पढ़ी हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में कि अभाज्य गुणनखंड है वो किस प्रकार से निकालते हैं और कुल गुणनखंड किस प्रकार से निकालते हैं, और अब हम पढ़ते हैं विषम गुणनखंड। तो अब हम देखते हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या, तो विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए आप क्या करोगे कि सम की सभी घातों को आप हटा सकते हो। अब सबसे पहले तो हम वह चीज लिखते हैं कि इसको जो 3780 को तोड़ते हैं 2 की पावर 2 में, तो ये किस प्रकार से ये तोड़ा था 3780 को, तो अब सबसे पहले तो उसकी पावर्स लिखते हैं। 3780 को किस किस में तोड़ा था, 2 की पावर 2 में, 3 की पावर 3 में, गुणा में 5 की पावर 1 और गुणा में 7 की पावर आप 1 लिख सकते हो। इसके ऊपर पावर 1 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर कुछ भी नहीं लगाया तो उसकी पावर बाई डिफॉल्ट 1 मानी जाती है। तो विषम गुणनखंडों की संख्या ये थी हमारे पास, तो ये थे विषम गुणनखंडों की संख्या। अब विषम गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए जो सम संख्याएं होती हैं उनको हम हटा देते हैं। देखो दोस्तों ये पूरी जो 3780 था उसके गुणनखंड है, ये 3780 के गुणनखंड है। अब इसमें जो सम संख्या की जो घातें होंगी
विषम गुणनखंड निकालने के लिए सम की सभी घातों को हटा देती हैं। अब आप यहाँ छोड़ दोगे सम को, सम यहाँ दो संख दो है, एक की है सम है, इसलिए हम इसको काट दो। इसके अलावा जो बच गया उसको लिखो, जो बच गया उसको आप लिखो। और वो लिखने के बाद में अब हम विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे, जो संख्याएं हमारे पास बची हैं सम संख्याओं को छोड़ने के बाद। इसके अंदर देखना क्या होता है कि जो नीचे ये बेस आधार संख्याएं हैं इसमें सम संख्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम गुणनखंड विषम संख्या के निकाल रहे हैं। तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए सम संख्या जो नीचे बेस में होती है उसको हटा देते हैं, जो विषम संख्याएं बच गई अब 3, 5, 7 हमारे पास क्या है, विषम संख्याएं, और इनकी जो घाते दी हुई हैं ऊपर, इन घातों में एक एक जोड़ने के बाद में गुणा करेंगे। इन घातों में एक एक ऐड करने के बाद में हम गुणा करते हैं। इसमें घात 3 दी है, इसमें एक, इसमें एक, 3, 1 और 1, यहाँ पावर 3 है, ये फिर 1 है, फिर 1 है, तो 3, 1 और 1। और इन सभी में क्या क्या ऐड किया हमने, इन सभी में एक एक को ऐड किया, इन सभी में प्लस वन किया सभी में, और अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और 1 4 आएगा, 1 और 1 2 आया, फिर 1 और 1 2 आया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, तो ये हमारे विषम गुणनखंड कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। इस प्रकार से हम विषम गुणनखंडों की संख्या निकालते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कितनी चीजें, 3 चीजें, कुल अभाज्य गुणनखंड पढ़े, कुल गुणनखंड की संख्या, अभाज्य गुणनखंड, कुल गुणनखंड और विषम गुणनखंड। अब रह गए हैं सम गुणनखंड, तो सम गुणनखंड की संख्या, अब हम सम गुणनखंड की संख्या निकालेंगे। दोस्तों एक तरीका और भी है, जैसे हमारे पास अब इस क्वेश्चन में हमने देखा कि कुल गुणनखंड हमारे पास 48 थे, कुल गुणनखंड हमारे पास 48 थे हमने निकाले थे, और विषम गुणनखंड की संख्या 16 है। तो अगर आप क्या करो, 48 में से माइनस कर दो 16, तो ये क्या आएंगे आपके पास में, सम गुणनखंड आ जाएंगे। आपको निकालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो कि सम गुणनखंड 48 - 16, तो यह आएगा 32, तो 32 आपके पास क्या आ जाएंगे, सम गुणनखंड की संख्या आ जाएगी। अब दोस्तों इस प्रकार से ना करके अगर आपको पूरा ये मेथड जानना हो कि सम गुणनखंड की संख्या किस प्रकार से हम इसमें निकालते हैं, तो इसका एक फॉर्मूला टाइप क्वेश्चन होता है कि आप इसमें इसमें एक मेथड होता है सम गुणनखंड निकालने का, वो देखते हैं। सम गुणनखंड अगर आपको विषम पता और कुल पता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, और सम गुणनखंड अगर आपको निकालने हैं तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि 2 की पावर 2 थी, 3 की पावर 3 थी, हमारे पास 5 की पावर कुछ भी नहीं थी, और 7, 5 की पावर 1 या 7 की पावर 1 लिख सकते हो, या सीधा भी छोड़ सकते हो, या इनकी पावर एक एक लगा लो, अगर कुछ भी नहीं लगी हुई तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको क्या करते हैं, सम की घात गुणा में विषम की घात प्लस एक, विषम विषम की घात प्लस एक करते हैं, विषम की घात प्लस एक। अब आप देखोगे कि सम की घात, तो सम की यहाँ घात कितनी दी हुई है, सम संख्या है सिर्फ 2 और 2 की पावर है 2, ऊपर वाली जो पावर है उसको लिखते हैं सम की घात 2 गुणा के अंदर, अब विषम की घात में प्लस एक करके गुणा करते रहते हैं। विषम की घात यहाँ कितनी है, 3, तो 3 प्लस 1, और गुणा में फिर आगे क्या है, ऊपर घात 1 है तो 1 प्लस 1 हो जाएगा, और 7 की पावर 1 है तो 1 प्लस 1, यानी कि विषम की जितनी भी घातें होंगी उनमें +1 होता जाएगा और उनका आपस में गुणा होता जाएगा, और जो सम की घात होती है उसको डायरेक्ट लिखा जाता है। तो 2 गुणा में अब लिखा जाए 3 और 1 4, 3 और 1 4, और फिर आगे गुणा में 1 और 1 2, फिर आगे 1 और 1 2। अब इनका सभी का गुणा करो, 4 दुना 8, 8 दुना 16 दुना 32। तो इस प्रकार से हम सम गुणनखंड की संख्या निकालते हैं, यानी कि सम गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए एक तरह से इस फॉर्मूले का आप यूज करोगे कि सम की घात गुणा के अंदर विषम की घात +1 करते जाओगे, और उनका आपस में सभी का मल्टीप्लाई करोगे, तो वो आपके पास आ जाएंगे सम गुणनखंड। अब हमने इस क्वेश्चन को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। तो इस क्वेश्चन में हमने जो पढ़ा था वो क्या पढ़ा था कि 3780 के अभाज्य गुणनखंड निकालने सीखे हमने, कि 3780 के अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं, कुल गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं टोटल, और विषम गुणनखंड किस प्रकार से निकाले जाते हैं, और सम गुणनखंड की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। और इसे इसके अंदर हमने गुणनखंड के बारे में भी पढ़ा कि किस किस चीज को हम गुणनखंड कहते हैं। तो सबसे पहले हमने अभाज्य गुणनखंड का एक क्वेश्चन देखा, फिर
फिर हमने देखा कि जो गुणनखंड अपवर्तक या डिविजर्स होते हैं वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं। आप इन चीज़ों को सभी को नोटबुक पे नोट कर लेना और अच्छे से आपको यह चीज़ें समझ में आ जाएगी। अब दोस्तों हमने जो पढ़ा वो पढ़ा हम वाचकों की संख्या के बारे में, सम गुणनखंड और गुणनखंड के बारे में पढ़ा। आगे अब जब हमने पढ़ाया वाचक गुणनखंड, कुल गुणनखंड, विषम और सम गुणनखंड, इनकी संख्या के बारे में पढ़ा कि ये कितने होते हैं। कुल अभाज्य गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, कुल गुणनखंड की संख्या कितनी होती है, विषम गुणनखंड कितने होते हैं और सम गुणनखंड कितने होते हैं। आगे कई बार इनका पूछ लेता है कि इनका योग बताओ, किस अभाज्य या कुल गुणनखंड की संख्या है इनका योग क्या होगा। तो योग में और इसमें थोड़ा सा फर्क होता है, क्वेश्चन अलग अलग हो जाते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल लेके और समझते हैं कि योग किस प्रकार से निकाला जाता है। अब मान लो हमारे पास एक नंबर है 360, ये कोई संख्या दी हुई 360, और इसका इसने पूछ लिया इसके भाजकों का योग, 360 के भाजकों का योग बताओ, भाजकों का योग बताओ, भाजकों का योग बताओ, या फिर गुणनखंड का योग बताना होता है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो इसमें दिया हुआ 360 के भाजकों की संख्या, या भाजकों की संख्या नहीं दी हुई, यानी कि यहाँ डिविजर्स नहीं निकालने, जो डिविजर्स आएंगे उनका टोटल बताना है, यानी कि उनका जोड़ कितना होगा। पहले दोस्तों मैं आपको 360 के भाजकों की संख्या बताता हूँ और उसके बाद में भाजकों का योग भी बताता हूँ। देखो संख्या तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हमको पता, जैसे मान लो हमने 360 के भाजकों की संख्या निकालनी है, तो हम क्या करते थे, इस प्रकार से एक लाइन लगाई, 360 को काटोगे आप, 2 से काटोगे 180, फिर 2 से काटोगे 90, फिर इसको 3 से काट सकते हो या 2 से, फिर कट जाएगा ये नंबर, 2 से 45 आ जाएगा, 45 अब नहीं कट रहा, 2 से आ गई, तो इसको 3 से काट सकते हो, 3 15, 15 पे कटेगा, फिर 3 5 15, और ये फिर 5 पे कटेगा, 5 एकम 5। इस प्रकार से जब तक यहाँ 1 आ जाए तब तक इस प्रोसेस को करते हैं। तो अब आप लिखोगे तो 360 को क्या लिखोगे, 2 की पावर 3 बार आया यहाँ, तो 2 की पावर 3, फिर गुणा के अंदर 3 या 2 बार आया तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, और गुणा में 5 से 1 बार है तो यहाँ 5 को लिखेंगे तो 5 की पावर 1 लिखेंगे। तो 360 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और जब हमको भाजकों की संख्या निकालनी होती है या फिर गुणनखंडों की संख्या निकालनी होती है, तो क्या क्या करते हैं हम, जो घातें होती हैं उनमें एक एक ऐड करने के बाद उनका आपस में गुणा करते हैं। इन घातों को आप एक एक ऐड करोगे इन सभी में, पावर्स में 3, 2 और 1, 3, 2 और 1, इन सभी में एक एक ऐड करोगे और इसका आपस में गुणा करोगे, 4 12 24, तो यहाँ भाजकों की संख्या हमारे पास कितनी आ गई, 24। यहाँ तक तो हमने पीछे पढ़ चुके हैं कि भाजकों की संख्या किस प्रकार से निकाली जाती है। लेकिन अब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाजकों का योग बताना है, भाजकों का योग यानी कि टोटल बताना है। तो भाजकों का योग बताने के लिए आप क्या करोगे कि जो ये हमारे पास संख्याएं आती हैं, 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, गुणा में 5 की पावर 1, 5 की पावर 1, हम इस 360 को इस प्रकार से लिखते हैं। इसके बाद में आप क्या करोगे, 2 की पावर या 3 लिखा हुआ है ना, तो 2 की पावर 3 तक जाएंगे, 2 की पावर 0 से लेके 2 की पावर, यहाँ लिखोगे आप 0, 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1, फिर प्लस में लिखोगे 2 की पावर 2, फिर प्लस में लिखोगे 2 की पावर 3, फिर ब्रैकेट बंद और आगे गुणा का निशान, फिर लिखोगे 3 की पावर 0। सबसे पहले आप उस संख्या की पावर 0 से स्टार्ट करोगे और प्लस में 3 की पावर 2, बीच में निशान प्लस का लगेगा और गुणा के अंदर आगे फिर 5 की पावर 1 है, तो सबसे पहले 5 की पावर 0, फिर प्लस में 5 की पावर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस में लिखते हैं। दोस्तों लिखने में क्या करना है कि जितनी पावर आपको दी गई है, मान लो यहाँ 2 की पावर 3 दी गई है, तो 2 की पावर 0 से स्टार्ट करते हुए 2 की पावर 0, 1, 2 और 2 की पावर 3, 3 तक लिखोगे और सभी में बीच में प्लस का निशान आएगा और बाहर जो ब्रैकेट बंद करने के बाद जो निशान आएगा वह हमारा गुणा का निशान होगा। अब आगे फिर 3 की पावर 2 दी हुई है, तो 3 की पावर 0 से स्टार्ट करोगे, 3 की पावर 0, फिर 3 की पावर 1, फिर 3 की पावर 2 तक लिखोगे, जहां तक पावर दी गई है वहां तक लिखना होता है, और बीच में निशान प्लस का आता है और बाहर की तरफ निशान गुणा का आता है। और फिर 5 की पावर 1 दी है, तो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 लिखेंगे। पीछे मैंने एक क्वेश्चन में बताया था आपको, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो जाए, यहाँ मैंने लिखा था देखो
किसी भी संख्या की घात अगर शून्य हो तो उसका मान एक होता है। इसको आप नोटबुक पे नोट कर लेना अच्छे से। पूरी मैथ में अगर किसी संख्या की पावर अगर जीरो आती है पूरी गणित में, तो हम उसका जो मान है वो क्या मानते हैं, एक मानते हैं। अब आप देखोगे यहाँ 2 की पावर 0, तो इसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी, एक मानी जाएगी। 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 हमारे पास 4 आती है, 2 की पावर 3 होती है 8। यानी कि 2 को 3 बार आपस में गुणा करना, 2 को 2 गुणा में 2 गुणा में 2, तो ये आ जाएगा 8। फिर ब्रैकेट बंद, आगे इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 0 हमारी 1 आएगी। किसी भी संख्या की पावर 0 आ जाए वो हमेशा 1 ही होती है। 3 की पावर 1 3 आएगी, 3 की पावर 2 9 आ जाएगी, ब्रैकेट बंद हो जाएगा। अब गुणा के अंदर 5 की पावर 0 1 और 5 की पावर 1 हमारी 5 आ जाएगी। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको आप ऐड करोगे ये आएगा 15, इसको जोड़ोगे कितने, 9 3 12 और 1 13, 5 और 1 6, तो गुणा में 6, और इन तीनों का गुणा करोगे ये आएगा 1170। 1170, तो 1170 हमारा भाजकों का क्या हो जाएगा, योग हो जाएगा। इसने क्वेश्चन में पूछा था 360 के भाजकों का योग बताओ, तो 360 के भाजकों का जो योग है वो आएगा हमारे पास 1170। तो ये हमारा आंसर यानी कि उत्तर हो जाएगा। देखो भाजकों की संख्या इस प्रकार से निकाली जाती है, जो हमारे ये डिविजन्स इस प्रकार से लेफ्ट में आते हैं उनमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई करना आता है, वो होती है हमारी भाजकों की संख्या। और जब हम इसको भाजकों का योग निकालना हो तो ध्यान रखना जो पावर्स दी जाती हैं, जहां जहां तक वो संख्या की पावर दी जाती है, यहाँ 2 की पावर 3 दी है, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 1, तो 2 की पावर 3 तक है, तो हम 2 को 0 से पावर से स्टार्ट करते हुए 3 तक लिखेंगे, वो भी प्लस के अंदर एक एक पावर बढ़ाते हुए। फिर 3 की पावर 2 है, तो 3 की पावर 0 से 2 तक लिखेंगे एक एक पावर बढ़ाते हुए। 5 की पावर 1 है, तो 5 की पावर 0 से 1 तक लिखेंगे, 3 की पावर 2 तक लिखेंगे। इस प्रकार से इस पूरे प्रोसेस को किया जाता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो इसी वीडियो को आप रिपीट करके वापस दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि जब कुछ और संख्याएं देखते हैं जो रिपीटिंग नंबर्स होते हैं हमारे, कई बार नंबर रिपीट हो रहे होते हैं, तो उसमें गुणक पूछ लेता है, उसमें भाजक पूछ लेता है कि किस से यह नंबर यह है डिवाइड हो रहा होगा। अब हम देखते हैं हमारी पहला एक एग्जांपल देखते हैं। एक हमारे पास मान लो नंबर दिया 4848 4848, तो ये नंबर है हमारी संख्या है, तो यह नंबर है जो 48 48 48, तो यह संख्या है किसकी गुणक है, यह संख्या है वो किसकी गुणक है या किसकी भाजक है, किसकी गुण। देखो दोस्तों यहाँ नाम है जो गुणक आ जाता है, कई बार भाजक आ जाता है, और कई बार यहाँ क्या आ जाता है, गुणनखंड आ रहा है। ये सभी नाम एक ही है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर आपको गुणनखंड कहे, गुणक कहे या भाजक कहे या अपवर्तक कहे, तो ये सारे नाम एक ही होते हैं, इनको आप एक दूसरे के जगह लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गुणक कह दे, भाजक कह दे, गुणनखंड कह दे, अपवर्तक कह दे, तो इसका मतलब सेम ही रहता है। और इंग्लिश में इसकी जगह पे डिविजर्स को लिखा जाता है, यानी कि इसके डिविजर्स बताओ। तो 48 48 48 किसकी गुणक है, तो ये किसका गुणक है, यानी कि किसका कौन सा ऐसा नंबर है जिससे यह पूरी तरह कट रहा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के जो भी प्रश्न आएंगे तो उसमें आपको क्या ध्यान देना है कि जब अंकों की जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें क्या होता है, इसको हल करने के लिए जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति बोलते हैं रिपीटिशन को, यानी कि रिपीट हो रहा है बार बार, जितने अंकों की रिपीटिशन लिख लो या पुनरावृत्ति लिख लो आप, हिंदी में लिखा जाता है पुनरावृत्ति, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, जितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है उनमें उनसे एक कम 0, उससे एक कम 0 या उससे एक कम 0 लगा देते हैं।
मान लो यह संख्या दी हुई है 48 48 48, इसकी गुणक बताना कि यह किसकी गुणक है। तो जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उससे एक कम शून्य लगा देते हैं। चलिए दोस्तों अब देखते हैं इसका क्या मतलब होता है कि उससे एक कम शून्य लगा देते हैं, तो ये किस प्रकार लिखा जाता है। तो यहाँ 48 48 में देखोगे तो यहाँ दो अंकों का रिपीटिशन हो रहा है, यानी कि 48 48 और 48, प्रत्येक दो दो अंकों की यहाँ कितने अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, रिपीटिशन हो रहा है, तो दो अंकों का पुनरावृत्ति हो रही है। दोनों अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो एक कम शून्य लगाएंगे, यानी कि दो अंकों की पुनरावृत्ति में हम एक जीरो लगाएंगे। सबसे पहले एक लिखोगे, फिर जीरो, फिर एक के बाद में फिर जीरो, और लास्ट में एक लिखोगे आप, तो एक जीरो कम लगाएंगे, यानी कि यहाँ कितने जीरो लगाएंगे, दो जीरो लगाएंगे। तो ये एक 101 01, इसका क्या हो जाएगा, गुणक हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, गुणक हो जाएगा। तो यह नंबर, इससे यह नंबर 48 48 48 में आप 101 01 का भाग दोगे तो ये पूरा पूरा नंबर कट जाएगा, यानी कि इसका यह गुणक होगा। अब एग्जाम्पल और लेते हैं दोस्तों, अगर दो तीन एग्जाम्पल लेंगे तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। अगर मान लो यह नंबर आया 567 567 567, यह कोई संख्या आ गई, ये रिपीटेशन में नंबर आ रहे हैं, तो यहाँ तीन तीन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें दो दो अंकों की पुनरावृत्ति हो रही थी और इसमें तीन तीन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है। अब इसमें मान लो ये तीन तीन अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है 567 567, तो इसमें क्या करोगे, एक कम शून्य लगाओगे, यानी कि जीरो आपको दो ही लगानी है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, एक, एक के बाद में दो जीरो, फिर एक के बाद में दो जीरो और फिर एक, तो यह है गुणक है इसकी, तो ये इसका गुणक हो जाएगा 100 101, ये इसका, यानी कि इस पूरी संख्या के अंदर आप इसका भाग दोगे तो ये पूरा पूरा नंबर कट जाएगा, यानी कि एक कम जीरो लगाते हैं। तो आप क्या करोगे, ऊपर वाले क्वेश्चन में दो दो अंकों की पुनरावृत्ति थी तो हमने एक एक जीरो लगाया, यहाँ तीन तीन अंकों की पुनरावृत्ति है तो हम दो दो जीरो लगाएंगे। आगे अगर मान लो आगे क्वेश्चन देखते हैं, और जैसे यहाँ नंबर आया हमारे पास 5374 5374, अब यहाँ चार चार अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है तो हम शून्य कितने लगाएंगे, तीन शून्य लगाएंगे, हमको एक कम शून्य लगाना होता है। इसमें दो 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 अंकों की पुनरावृत्ति तो एक जीरो, तीन अंकों की पुनरावृत्ति तो दो जीरो, और अब हम क्या करेंगे, चार अंकों की पुनरावृत्ति है तो तीन जीरो लगाएंगे, तो एक के बाद हम तीन जीरो और फिर एक लिखेंगे, तो इस प्रकार से हम ये क्या हो जाएगा, इसका गुणक हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब हम इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, और आज हमने गुणनखंड के बारे में जितनी भी क्वेश्चन आ सकते हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में पढ़ा, अभाज्य गुणनखंड की संख्या देखी, कुल गुणनखंड की संख्या के बारे में पढ़ा, और इस प्रकार से अब हम जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी, अगली क्लास होगी, उसके अंदर हम शेषफल के बारे में पढ़ेंगे। शेषफल को इंग्लिश में बोला जाता है रिमाइंडर। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली पूछा जाता है, प्रत्येक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में लगभग जहां नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आते हैं वहां शेषफल से यानी कि रिमाइंडर से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो अब हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे शेषफल, और इस क्लास को यहीं खत्म करते हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू दोस्तों।